आज की ये इंटरेस्टिंग रेसिपी मेरी मम्मी की रेसिपी है और मैंने कहा क्यों नहीं आपके साथ ये इस रेसिपी को शेयर किया जाए बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है इसे बनाने में भी और खाने में भी तो लाजवाब लगता है मैंने होली की बहुत सारी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी है नहीं देखा है तो प्लीज़ वो सारी वीडियो जाकर देख लो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लीज़ जाके वो सारी वीडियो देख लीजिए स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पारंपरिक रसोई में पारंपरिक रसोई से जुड़ने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेलाइकन प्रेस कर दो तभी तो हमें साथ जुड़े रहेंगे आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरी आईडी आपको स्क्रीन पे शो हो रही है तो प्लीज जरूर फॉलो करना तो ये इंटरेस्टिंग सी रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा मैदा यहाँ पे मैंने एक कटोरी भर के मैदा ले लिया है अगर आप इसे हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आटे का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं आटे से भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया बनके तैयार होगा तो यहाँ पे मैंने डेढ़ कटोरी ले लिया है मैदा और अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ रिफाइन ऑयल रिफाइन वाल डालने से बहुत ही ज्यादा खासता एंड कुरकुरे बन के ये तैयार होंगे ये नाश्ता और इसके बाद अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ अजवाइन अजवाइन को हाथ से इस तरीके से क्रश करते हुए अब डालेंगे तो फ्लेवर बहुत ही ज्यादा बढ़िया आता है अब यहाँ पे जाएगा स्वाद के अनुसार नमक फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मंगरेल अभी डायरेक्ट हम इसमें पानी नहीं डालेंगे पहले हाथों से आप इसे अच्छी तरीके से मसलेंगे उसके बाद ही हम इसमें पानी डालेंगे उससे क्या होता है कि आपका जो नाश्ता है वो खास्ता बन के तैयार होता है ओह वाह क्या लाइन है नाश्ता खास्ता इसी बात पर लाइक कर दो यार तुम सब और आपका ये क्वेश्चन होगा कि कैसे पता करें कि मैदे में खास्तापन आ चुका है उसका पता करने का भी एक ट्रिक है आप हाथों में इस तरीके से मैदे को बाइंड करो और वे जब इस तरीके से बाइंड हो जाए प्रॉपरली तो समझ जाना कि इसमें खास्तापन आ चुका है तब आपका नाश्ता खास्ता बनेगा अब यहाँ पे जाएगा ज़रूरत के हिसाब से पानी तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसे बढ़िया तरीके से गूँथ लेना और इसका जो डो है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आटा गूंथ के तैयार हो चुका है तो अब इसे रखेंगे रेस्ट पर उससे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा दे रही हूँ और रिफाइंड ऑयल लगाने के बाद इसे हल्का सा हम कूथ लेंगे उसके बाद इसे रख देंगे हम रेस्ट पर अब मैंने यहाँ पे ले लिया है कढ़ाई और उसमें मैंने डाल दिया है तेल और तेल जैसे ही गर्म हो जाए उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जीरा और जीरा जैसे ही चटक जाए उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे उबले हुए आलू और इस आलू को मैंने कद्दूकश कर लिया है ठीक है और इसके बाद हम यहाँ पर डाल रहे हैं कुछ मसाले तो सबसे पहले हम यहाँ पर डाल रहे हैं धनिया पाउडर लाल मिर्ची पाउडर जीरा पाउडर गरम मसाला कोरिएंडर लीव्स धनिया पत्ता तो मैंने इसे अच्छी तरीके से मिला दिया है उसके बाद अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ लहसुन बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा उसके बाद फिर यहाँ पे हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक और इसे आप दो मिनट तक अच्छी तरीके से भून लेना So ये लो लाजवाब बहुत ही बड़ा ही लाजवाब बनता है ये मसाला और अब मैंने यहाँ पे ले लिया है रिस्ट पे रखे हुए को इसे फिर से हम एक बार अच्छी तरीके से गूथ लेंगे उसके बाद हम यहाँ पे नींबू के आकार की लोई ले रहे हैं और इसे हाथों में इस तरीके से आप घुमा लेना उसके बाद हल्का सा मैं यहाँ पे मैदा डस्ट कर रही हूँ और इससे हम अच्छी तरीके से गोल बेल लेंगे अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसे बेल के तैयार कर लिया है और इसका क्या करना है चलो देखते हैं मैंने यहाँ पे ले लिया है नाइफ और इससे करेंगे हम कट यहाँ पे आपको वी शेप लगाने हैं यहाँ पे मैंने दोनों तरफ से इसे वी शेप लगा देना है और आपको बीच से इसे कट करके नहीं हटाना आप यहाँ पे देख सकते हैं बीच में इस तरीके से गैप है ही अब मैंने यहाँ पे ले लिया है आलू के मसाले और इसे आपको रखना है यहाँ पे यहाँ जहाँ हमने वी शेप कट किया है उसके अपोजिट ही आपको यहाँ पे रख देना है उसके बाद इस वी शेप से हम इसे कवर कर देंगे यहाँ पे तीनों तरफ से आपको इसे अच्छी तरीके से पैक कर देना है आप यहाँ पे चाहे तो मैदे का घोल भी तैयार कर सकते हैं वरना ये ऐसे भी पैक हो जाते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है आप हल्का हल्का से यहाँ पे ऑयल भी लगाएंगे तो भी ये आराम से पैक हो जाते हैं अब हम यहाँ पे कट्स लगा देंगे तो यहाँ पे एक तरफ जितने आप कट्स लगाएंगे उतना ही कट्स आपको दूसरी तरफ भी लगा देने हैं यानी कि अगर आप यहाँ पे आठ कट लगा रहे हैं एक तरफ तो दूसरी तरफ भी आप आठ ही कट लगाना तभी आपके डिज़ाइन प्रॉपरली बन के तैयार होंगे अब यहाँ पे क्या क्या करना है कि एक लाइन आप यहाँ इस तरीके से उठाना इसे इस तरीके से आप कर्ल करना और फिर अंतर इसे प्रेस कर देना ठीक है तो पहले आप लेफ्ट तरफ से उठाना या फिर लेफ्ट राइट जो भी आपका मन हो एक बार लेफ्ट एक बार राइट एक बार लेफ्ट एक बार राइट इस तरीके से आपको करना है तो बहुत ही बढ़िया ये डिजाइन बनके तैयार होता है बहुत ही ज्यादा लाजवाब लगता है ये तो आपके लिए मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर दे रही हूँ कि पहले आप इस तरीके से गोल बेल लेना फिर यहाँ पे आप वी शेप कट कर लेना फिर हम यहाँ पे डाल देंगे आलू के मसाले और आलू के मसाले को हम इस वी शेप से कवर कर देंगे इसे अच्छी तरीके से आप तीनों तरफ से पैक कर देना उसके बाद यहाँ पे दोनों तरफ जो हमें बच गए हैं उसे आपको कट करना है दोनों इक्वल ही पार्ट में कट होने चाहिए यहां पे अगर साथ है तो यहां भी साथ ही कटने चाहिए और फिर आप इस तरीके से एक बार लेफ्ट उठाना और इसे कर्ल करना इस तरीके से फिर आप राइट उठाना फिर कर्ल करना फिर लेफ्ट फिर राइट इस तरीके से आप करेंगे तो यहां पर आपकी परफेक्ट स्नैक्स बनके तैयार हो जाएगी तो ये लो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे सारे बना के तैयार कर लिए हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करके ज़रूर बताना चलो अब इस सबको हम फ्राई कर लेते हैं यहाँ पे मैंने तेल को गर्म कर लिया है और जिस तरीके से आप समोसे को फ्राई करते हैं वैसे ही आपको इसे फ्राई कर लेना है आप इसे किसी भी पार्टी स्नैक्स में बना सकते हैं शाम के नाश्ते में आप बच्चों को दे सकते हैं बहुत मज़े से खाएँगे वो अभी तो होली आने वाली है तो आप होली पे इसे बनाना अपने मेहमानों को खिलाना और वो पूछे कि कैसे बनाए तो बता देना कि पारंपरिक रसोई को देखा था आप भी जाके देख लो उनके चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो देखो बता देना छुपाना मत अब यहाँ पे ये क्रिस्पी हो चुके हैं तो चलिए अब इसे बाहर निकाल लेते हैं आप इसे किसी भी फेवरेट सॉस या फेवरेट चटनी के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं तो ये लीजिए फाइनली आपकी ये फेवरेट स्नैक्स बन के तैयार है कैसी लगी आपको प्लीज़ मुझे जल्दी से कमेंट लिख के बता दीजिए पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय टेक केयर इस पारंपरिक रसोई को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाय बाय